हेलो स्टूडेंट्स, मैं लोकेंद्र राजावत सिरिजंगा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी की सीरीज का पार्ट नंबर 4, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं 16 से लेकर 20 तक के सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रूल ऑफ 16 क्या कहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट्स क्या होने चाहिए, 16 से डिविजिबल होने चाहिए, अर्थात अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या होगा, हमें लास्ट के 4 डिजिट्स को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, उसमें हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, अर्थात ये वाला जो मेथड है वो क्या है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसके लिए हम एक शॉर्ट मेथड यूज करने वाले हैं। इसके अंदर हम क्या देखेंगे, थाउजेंड्स डिजिट अर्थात हजार वाले अंक को देख के फिर पता करने की कोशिश करेंगे कि वो जो बाकी का पूरा नंबर होगा वो 16 से डिविजिबल होगा या फिर 16 से डिविजिबल नहीं होगा। तो देखो, अगर हजार वाला यानी कि जो थाउजेंड्स प्लेस पे जो नंबर आ रहा है वो क्या हो, इवन हो अर्थात सम हो, उस केस में हम क्या देखेंगे कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यानी कि नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स उसको हम 16 से डिवाइड करके देखेंगे यानी 16 से भाग देके देखेंगे। अगर वो संख्या 16 से विभाजित हो जाती है अर्थात उसमें 16 का भाग जाता है तो हम बोल देंगे कि वो पूरा नंबर भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। तो देखो इस एग्जांपल को देखते हैं, किसके अंदर क्या है, देखो वंस टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड्स यानी इकाई दाई सैकड़ा और हजार, हजार नंबर पे जो डिजिट आ रहा है वो क्या है, 4 है, जो कि क्या है, इवन है अर्थात सम है। उस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बन रहा है यानी कि 176 इसको क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो 16 बचा 1, 1 के आगे 6 नोट करेंगे तो क्या आ गया, 16, फिर से वापस 1 टाइम डिवाइड हो गया। इसका मतलब लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर मिल रहा था वो 16 से डिविजिबल है। इसका मतलब होगा कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। और अगर जो हजार वाले प्लेस पे यानी थाउजेंड्स वाले प्लेस पे जो डिजिट आ रहा था, अंक आ रहा था, वो क्या हो, ओड हो अर्थात विषम हो, उस केस में हम क्या करेंगे, नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स यानी अंतिम तीन अंकों से जो नंबर मिलेगा उसके अंदर 8 प्लस करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको 16 से डिवाइड करके देखेंगे यानी कि अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में 8 प्लस करके 16 से उसमें भाग देके देखेंगे। अगर वो भाग जा रहा है उसके अंदर तो हम बोल देंगे कि पूरी संख्या के अंदर भी क्या होगा, यानी पूरे नंबर में भी क्या होगा, 16 का भाग जाएगा। तो देखो इस एग्जाम्पल को देखते हैं, वंस टेंस हंड्रेड्स और थाउजेंड यानी इकाई ढाई सैकड़ा और हजार, हजार प्लेस पे 3 आ रहा है जो कि क्या है, ओड है अर्थात विषम है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट से जो नंबर मिल रहा है वो कितना है, 408, इसके अंदर पहले 8 प्लस करेंगे तो कितना हो गया, 416 को 16 से डिवाइड करके देखेंगे। तो देखो इसमें 16 2 32 यानी कि 16 2 32 हो गया, बचा कितना, 9 के अंदर 9 के आगे 6 नोट करेंगे तो 96 हो गया। तो 96 के अंदर 16 से डिवाइड करके देखेंगे तो हम कितने टाइम, 6 टाइम डिवाइड होगा। इसका मतलब लास्ट के जो 3 डिजिट से जो नंबर बना था उसके अंदर हमने 8 प्लस किया, उससे हमारे को जो नंबर मिला 416 था वो 16 से डिविजिबल है। तो हम बोल देंगे कि ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल होगा। अब हम रूल नंबर 17 देखेंगे जिसके अंदर हम 17 के लिए रूल्स कवर करेंगे, तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं रूल ऑफ 17 क्या कहता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट लास्ट 2 डिजिट्स फ्रॉम 2 टाइम्स द रेस्ट। इसका मतलब समझना देखो, कि अंतिम 2 अंकों को, लास्ट के 2 डिजिट्स है उनको बाकी का जो नंबर बच गया उसके 2 गुने के अंदर से घटाना है। देखो एग्जांपल से समझते हैं, ये लास्ट के 2 डिजिट से 75, इसको क्या करना है, बाकी का बचा हुआ नंबर यानी 46 इसके 2 गुने के अंदर से यानी 46 का ट्वाइस किया और उसके अंदर से हमने क्या कर दिया, लास्ट के 2 डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया अर्थात घटा दिया। तो देखो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40 को 2 से करेंगे, ये 4 नहीं है 40 है, प्लेस के हिसाब से वैल्यू डिसाइड करेंगे तो 40 को 2 से करेंगे 80 आएगा और 6 को 2 से करेंगे 12 आएगा और 80 और 12 कितना हो गया, 92। तो 92 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17 आएगा, 17 से डिविजिबल है। तो हम बोल देंगे कि ये जो नंबर होगा ये भी क्या होगा, 17 से डिविजिबल होगा। अब हम देखते हैं रूल ऑफ 18 क्या कहता है। तो इसको इसके लिए देखते हैं कि क्या हम 18 को 2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं, अर्थात जो 18 है वो क्या होना चाहिए, 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 से डिविजिबल कैसे होगा, ये कैसे चेक करते हैं, ये मैंने पार्ट नंबर 1 के अंदर कवर किया, आप वहाँ जाके देख लेना, इसके तीनों लेक्चर्स पहले देख के
फिर ही आप फोर्थ पे आना, जिससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो दो के लिए हम चेक करते हैं कि वो नंबर क्या होना चाहिए, इवन अर्थात सम होना चाहिए, अर्थात उसके जो वंस डिजिट है उसके ऊपर 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई डिजिट आना चाहिए। और 9 के लिए क्या चेक करते हैं, उसके सभी डिजिट्स का सम करते हैं, उस सम को डिवाइड करके देखते हैं 9 से, अगर उसका जो सम है अर्थात अंकों का जो योग है वो 9 से डिविजिबल है, यानी उसके अंदर 9 का भाग जा रहा है, तो हम बोल देंगे कि उस पूरे नंबर में भी क्या होगा, 9 से भाग जाएगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, देखो 3, 7, 3, 4, 2, 3, 6 इसके लिए चेक करना है कि 2 और 9 दोनों के लिए चेक करके देख लेते हैं, अगर दोनों से जा रहा है तो हम बोल देंगे कि वो 18 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो वंस डिजिट को देखा, इससे पता चल गया कि ये नंबर क्या है, इवन है, सम है, अर्थात इसके अंदर 2 का भाग जाएगा। अब इनके सभी डिजिट्स का सम करके देखते हैं, यानी सम ऑफ डिजिट्स यानी अंकों का योग निकाल के देखते हैं तो कितना आता है, देखो 3 + 4 = 7 + 2 = 9 और 3 और 9 = 6 = 9 9 + 9 कितना हो गया 18 यानी 18 18 के अंदर 9 का भाग जाता है, 2 बार जाता है तो हम बोल देंगे कि ये जो नंबर है वो 9 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब होगा कि ये जो नंबर है 2 और 9 से दोनों से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 18 से भी डिविजिबल होगा। अब हम देखने अगले वाले स्लाइड पे हम देखेंगे 19 और 20 के लिए क्या रूल होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं रूल ऑफ 19 क्या कहता है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एड ट्वाइस द लास्ट डिजिट टू द रेस्ट, इसका मतलब अंतिम अंक का दोगुना करना है और बाकी की संख्या में हमें इसको जोड़ देना है। तो देखो इस एग्जांपल को देखते हैं, तो लास्ट में जो डिजिट आ रहा है वो कितना है, 7 है, तो 7 का क्या करना है, ट्वाइस, 7 का ट्वाइस करेंगे 14 आएगा, इस 14 को क्या करना है, बाकी की बची हुई संख्या यानी 43 में 14 प्लस कर दिया तो कितना आया 57, तो 57 19 से 3 बार डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 19 से डिविजिबल होगा। अब देखते हैं रूल ऑफ 20 क्या कहता है, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या फिर नहीं है, यानी कि उसमें 10 का भाग जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो 10 के लिए हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पार्ट नंबर 2 के अंदर, वो आप देख लीजिए कि 10 के लिए कैसे चेक करते हैं कि वंस डिजिट यानी इकाई का अंक है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और इसके अलावा जो सबसे जरूरी कंडीशन है इसकी वो क्या है कि जो टेंस डिजिट है यानी दहाई का अंक है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, अर्थात सम होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उस नंबर को 20 से डिवाइड कर सकते हैं। इस एग्जांपल को देखते हैं, तो देखो सबसे पहले हमने वंस डिजिट को देखा, वो 0 था, इसका मतलब वो जो संख्या है वो क्या होगी, 10 से तो डिविजिबल होगी। अब हमें क्या चेक करना है, इसके टेंस डिजिट को चेक करना है, यानी इसके दहाई के अंक को चेक किया, वो क्या है, 6 है, जो कि एक इवन है अर्थात सम है, इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या होगा, 20 से डिविजिबल होगा। अब हम पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या करने वाले हैं, 21 से लेके 25 तक के सभी डिजिट्स का क्या करेंगे, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल्स को देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना, और इसकी जो प्लेलिस्ट है इसको पूरे को देखना, जिससे कि आपको 1 से लेके 15 तक के जो शुरू के पार्ट 3 पार्ट्स थे उसमें मैंने जो कवर किए हैं वीडियोस, जो रूल्स हैं उसको आप जरूर देखना, जिससे कि आपको पूरा वीडियो आसानी से, ये वाला वीडियो भी आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।